नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो दीवारों के ऊपर जो अपन रस्टिक टेक्सचर करते हैं वो किस तरह से किया जाता है और कैसे क्या उसकी प्रोसेस रहती है, वो सारा इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा समझ में आएगा कैसे रस्टिक किया जाता है। बहुत से पेंटर भाई डरते हैं रस्टिक करने से कि मुझसे नहीं होता है या इनसे नहीं होता है, स्पेशलिस्ट लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मेरा ये वीडियो देखोगे आपको ऑटोमेटिक रस्टिक करना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एक लोकल सा बैग है हमारे पास रस्टिक का, 3 mm दाना वाला बैग है। इसको पहले हम तगारी में निकाल लेंगे, जितना अपने ज़रूरत के हिसाब से माल निकालते जाएंगे और उसको बनाकर अप्लाई करेंगे। तो जो भी पेंटर भाई ऐसे डरते हैं रस्टिक करने से कि मुझे नहीं आता है, तो वो सिर्फ एक बार इस वीडियो का देख ले और बिंदास रस्टिक कर सकता है। कोई बड़ा तीर नहीं मारना इसमें, और कोई यूं कह दे कि ये स्पेशलिस्ट हैं या ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, आपको रस्टिक करना ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो पेंटर अभी ये रस्टिक कर रहा है वो एक ही दिन में आज ही सीखा है और आज ही उसकी फिनिशिंग देख लेना आप। भले छोटी मोटी खामियाँ रहती हैं तो वो आप नज़रअंदाज करना, क्योंकि बंदा आज ही सीखा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से आप ट्रीट करना और आप भी इस वीडियो से सीख सकते हो कि रस्टिक कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने कुछ 5-6 किलो माल ले लिया है और उसमें लगभग 400-500 ml पानी हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में, पूरा देखिए, और अगर आपको मेरा कुछ कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका जो लाड़ प्यार मिला है अभी अभी बहुत ही अमूल्य है। इतने कम समय में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमने कुछ पानी डाला है, 400 से 500 ml पानी, बहुत ही कम मात्रा में जाता है। डिपेंड करता है कौन सा रस्टिक आप यूज़ कर रहे हो, किस ब्रांड का कर रहे हो। जैसे हम लोकल कर रहे हैं तो इसकी कवरिंग भी कम है और पानी भी कम जाता है इसमें, वो आपके ऊपर है आप किस तरह का रस्टिक लेते हो। और बात करेंगे किसी अगले वीडियो में इसके अंदर जो डिज़ाइनें अपन डालते हैं वो किस तरह से डिज़ाइनें डाली जाती है, उसका भी एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा मैं। ये देखिए मिक्स करने के बाद इस तरह का माल हमारा हो गया है, हल्का सा पानी में और मिला दूंगा, उसके बाद हम इसको सीधा अप्लाई करेंगे। जो डिज़ाइन है जो निकालते हैं वो इससे निकालते हैं, इसको टेक्सचर ये अपना गुरुमाला कहते हैं रस्टिक करने का। ये प्लास्टिक का है पूरा, इससे जो प्लस माइनस जलेबी बारिश वाली डिज़ाइन जो भी डिज़ाइन बनेगी वो सारी इससे ही बनती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको जैसे पुट्टी अप्लाई करते हो उसी तरह से इसको अप्लाई करना है, कोई बड़ी तीर नहीं मारनी है रस्टिक करने में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जो बंदा कर रहा है वो पहली बार कर रहा है, पहली बार इस बंदे ने रस्टिक किया है, और आप फिनिशिंग देख लीजिए, क्योंकि जिसको पुट्टी करना आता है वो रस्टिक ईजीली कर सकता है। ये देखिए 3 mm का जो दाना था हमारा वो सामने दिख रहा है आपको। आराम से करना है, जिस तरह से अपन पुट्टी अप्लाई करते हैं सेम वैसे ही करना है। शुरुआत में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा फिनिशिंग देने में, पर आप धीरे धीरे 1-2 घंटे रेगुलर करोगे सीख जाओगे आप। ठीक है, इस तरह से आप अप्लाई करिए, बड़ा इजी काम है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे सारे वीडियो आप चैनल के अंदर जाकर देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। इस तरह की बहुत सारी वीडियो आने वाले समय में आने वाली है, अच्छी अच्छी वीडियो, जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करें वो उतनी अच्छी अच्छी वीडियो आती जाएगी। इस तरह से आपको रस्टिक अप्लाई कर देना है, जैसे सेम टू सेम अपन पुट्टी अप्लाई करते हैं उसी तरह से। और कुछ समय बाद जब ये 10-15 मिनट के बाद थोड़ी सी सूख जाती है, उसके बाद अपन इसको रस्टिक टॉवल जो कहते हैं अपन गुलमाला, उससे इस पर जो भी डिज़ाइन अपन चाहे वो बना सकते हैं। एकदम आराम से करना है आपको, रस्टिक करने में कोई ज़्यादा वो दिक्कत वाला काम ही नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे ईजी चीज़ है रस्टिक करना। जिसको यूँ लगता है कि रस्टिक करना बहुत बड़ा काम है, वैसा कुछ नहीं है। आप एक बार करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ईजी काम है। पुट्टी से तो ईजी है मेरा ये मानना, क्योंकि पुट्टी में आपको उतनी फिनिशिंग लानी पड़ती है, इसमें उतनी फिनिशिंग नहीं लानी है, क्योंकि आपको एंड टू एंड आपको पता है कि इसको गुलमाला घूमेगा तो अपनी डिज़ाइन बनानी है, उसमें ऑटोमेटिक आप रस्टिक का फिनिशिंग आ जाएगा।
फिर भी आप जब भी काम करो हो सके उतना अच्छा करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरा करिए, जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना करिए। पर जब आप फर्स्ट टाइम करते हो, जो कोई बंदा फर्स्ट टाइम कर रहा है, आप उसके हाथ की सफाई देख लीजिए, क्योंकि पुट्टी बंदा अच्छी तरह से करना जानता है तो रस्टिक भी उसी तरह से उसका हाथ घूम रहा है। देखिए इस तरह से रस्टिक आपकी हो जाए, उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट जब तक ये सूख जाए थोड़ा बहुत नॉर्मली, उसके बाद इस तरह से रस्टिक का वेलसर इसके ऊपर घुमाए, जैसे हम ये भी इसकी डिज़ाइन बना रहे हैं प्लस माइनस की। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, इसी गुरुमाला से जो भी डिज़ाइन चाहो वो बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट में हमने वह ऊपर से नीचे घुमाया है, उसके बाद इसको दाएँ से बाएँ घुमा लेंगे तो अपना प्लस माइनस बन जाएगा। तो इस तरह से आप डिज़ाइन जो होती है वो बन जाएगी, और इसकी रस्टिक की खूबसूरती कलर होने के बाद ही आती है। ये भी आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जो रस्टिक है वो डायरेक्ट रस्टिक अप्लाई किया है, उसके ऊपर अभी कलर नहीं है। कलर होने के बाद जो इसकी खूबसूरती आती है वो एक नंबर लगती है। और आज की डेट में रस्टिक ही चल रहा है वैसे, सब जगह सबसे ज़्यादा लोग रस्टिक लगाना पसंद कर रहे हैं अभी की डेट में। तो अगर आप कोई अपने घर में भी करवाना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल रस्टिक करवाइए, बहुत ही अच्छा लुक आता है आपके घर के लुक को, इन्हेंस करता है। ये देखिए इस डिज़ाइन बन के आ गया, प्लस माइनस इस तरह की जो डिज़ाइन है वो तो आपको बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए सूखने के बाद इस तरह से दिखता है। उसके बाद आप कलर अप्लाई करिए, जो भी कलर आप चाहो वो इस पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कलर लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।